हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल नो हाउ टू रीड ईसीजी इन एग्जाम इन स्टेप वाइज मैनर। लेट्स स्टार्ट। दिस इज 12 लीड ईसीजी एट स्पीड ऑफ 25 मिलीमीटर पर सेकेंड एंड कैलिब्रेशन इज 10 मिलीमीटर पर मिलीवोल्ट। दिस ईसीजी शोइंग नॉर्मल साइनस रेगुलर रिदम एट रेट ऑफ 55 बीट पर मिनट। एक्सिस इज नॉर्मल एंड पी वेव हाइट एंड ड्यूरेशन आर नॉर्मल एंड पी आर इंटरवेल इज प्रोलॉन्ग्ड अराउंड 340 मिली सेकेंड। क्यू आर एस ड्यूरेशन और विड्थ इज अराउंड 110 मिली सेकेंड विच इज नॉर्मल एंड हाइट इज नॉर्मल। नो पैथोलॉजिकल क्यू वेव सीन। क्यू टी इंटरवेल इज अराउंड 420 मिली सेकेंड विच इज नॉर्मल। एस टी सेगमेंट एलिवेशन इन लीड 2-3 ए वी एफ V5 V6 while ST segment depression in lead 1 AVL V1 and V2. T wave is upright. So my impression and conclusion is sinus bradycardia at rate of 55 beat per minute, infralateral posterior wall MI with first degree atrioventricular block. So plan of treatment, we should start antiplatelet antithrombotic medicines and urgent coronary artery angiography to look for coronary arteries, and then followed by revascularization either by stenting or coronary artery bypass.